तो जो ऊपर वाला नंबर होता है या जो पहले लिखा होता है या जो इसके अंदर लिखा होता है उसको डिवाइड करते हैं हम, अंदर और जो बाहर होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? 40 को डिवाइड कर रहे हैं, 40 को, और 6 से। तो ये क्लियर होना चाहिए कि किसको डिवाइड करना है, हमने किसके हिस्से करना है। डिवीजन का मतलब होता है हिस्से करना या टुकड़े करना। तो किसके हिस्से कर रहे हैं हम? 40 के टुकड़े कर रहे हैं, और कितने टुकड़े कर रहे हैं? 6। अच्छा तो 40 को डिवाइड करने का क्या मीनिंग है? मान लो आपके पास अगर 40 अगर आपके पास 40 मार्बल्स हैं या चॉकलेट हैं या बिस्किट हैं, ठीक है, मैं ब्लैक बोर्ड दिखाता हूं आपको। 40 40 डिवाइडेड बाय 6, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग पहले हमेशा समझ, अगर मीनिंग समझ में आ जाए फिर कोई भी क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो हम 40 को डिवाइड कर रहे हैं, 40 के टुकड़े कर रहे हैं, अगर आपके यार बांट रहे हैं। डिवीजन का मतलब होता है बांटना। डिवाइड करना होता है बांटना। दैट मींस अगर आपके पास 40 यहां पे बिस्किट है, कितने हो गए? 3 3 6 7 8 9 10 10 हो गए, ऐसे और 10 कितने हो गए? 20 और 10 कितने हो गए? 30 और 10 कितने हो गए? 40। अब फोर्टी 40 को 40 के कितने टुकड़े करने हैं? 6 से डिवाइड कर रहे हैं, छह छह टुकड़े सिक्स 6। हाँ, यानी कि इसके अगर हमारे पास 6 फ्रेंड्स हैं, ये एक फ्रेंड है, 1 2 3 4 5 6, और ये बिस्किट जो है 60, ये कितने हैं? 40। इन 40 को मैंने डिवाइड करना है, तो उसका क्या मतलब हुआ? इन 40 को मैंने बराबर बांटना है। तो एक एक फ्रेंड जो है ये वाला, इन फ्रेंड्स के अगर हम नेम लिखते हैं, ये फ्रेंड का नेम है ए बी सी डी ई एफ, तो ए को कितने बिस्किट मिलेंगे बताओ आशुतोष? शाबाश, कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं सर हाँ बताओ। सर बताओ, सब कुछ साथ मिलेंगे 7 7 यस यस कैसे? कैसे 7 कैसे? क्या, हाउ डिड यू फाइंड 7? कैसे पता चला आपको 7 चाहिए? क्योंकि अगर सबों को आप 7 दोगे, आपने ए को भी 7 दिया, बी को भी 7 दिया, अरे को 7 7 दोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7, ये कितनी बारी आपने 7 दिया? 1 2 3 4 5 6,
दैट मींस आपने सेवन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स, आपने सिक्स सिक्स का टेबल किया, सिक्स का टेबल बताओ आता है सिक्स का टेबल? यस सर, तो सिक्स सिक्स मल्टीप्लाइड बाय सेवन, सिक्स सेवन का कितना होता है? हाँ, दैट मींस आपने टोटल 42 दे दिए, लेकिन आपके पास कितने बिस्किट हैं? 40. तो फिर आप 42 कैसे बांट सकते हो? दैट मींस आप 77 नहीं दे सकते हो, आपके पास तो 40 बिस्किट है, आपने 42 कैसे दे दिए? समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसका मतलब है 77 तो नहीं मिलेगा, 7 से कम कर दो। मान लो हम कहते हैं अच्छा 7 6 42, तो 40 से ज्यादा हो गया, हम उसको 7 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम उसको 6 से कर लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना होता है? 6 6 36। हाँ, दैट मींस आपने 36 बिस्किट बांट दिए। अगर हम सबों को 7 के बदले 6 दे दें, तो इसको भी, ए को भी 6, बी को भी 6, हर एक को 6 6 मिल गए, तो टोटल कितना हो गया? 36। तो आपने इस 40 में से 36 तो दे दिए, बाकी कितने बच गए? ये मान लो आपका बैग है, ये हमने बैग बनाया, इस बैग के अंदर 40 बिस्किट थे ये वाले, और 40 में से आपने 36 दे दिए, सबों को 6 6 दे दिए, बाकी कितने बच गए? बैग में कितने बच गए? बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? कृति आप बताओ जल्दी से। नहीं, मैंने जो पूछा वो मैंने पूछा, अगर आप लोगों ने, अगर टोटल 40 थे बैग में, 40 बिस्किट थे, और हमने ए बी सी डी ई एफ इन सबों को 6 6 बिस्किट दे दिए, तो टोटल तो इस बैग में फिर हमारे पास कितने बिस्किट बच जाएंगे? 4। हाँ, 4 4 बिस्किट बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल 40 थे, 4 बिस्किट बचेंगे सर। हाँ, 40 माइनस 36, 4 बच गए, यानी कि ये सारे आपने दे दिए और ये 4 बच गए। अब हमारे इस बैग में कितने हैं? 4 बिस्किट। तो ये 4 बिस्किट भी तो बांटने हैं, कैसे बांटेंगे इनको? देखो, तोड़ देंगे सारे बार। है? किसके टुकड़े करेंगे? बिस्किट नहीं, कितने बिस्किट के? 4। हाँ, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ये बड़ा, देखो यहाँ बड़ा बड़ा लिखा, ये 4 बच गए, और इस 4 के भी हमने कितने कितनों हिस्से करने? 6 हिस्से करने, क्योंकि हमारे पास 6 फ्रेंड्स हैं। तो 4 को भी 6 से डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 6, तो यही डिवीजन होता है। अब हम इसको अगर ऐसे ड्राइंग के बदले दूसरे बोर्ड पे लिखें कि 40 डिवाइडेड बाय 6
तो कैसे होगा, 40 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे हमने यहां इन फ्रेंड्स में हमने पहले देखा, पहले हमने 7 से ट्राई किया था, 7 से तो 42 मिला, फिर हमें लगा नहीं वो तो ज्यादा हो गया, हमने 6 दे दिए। तो यहां हमने सबों को 6, इसको 6, सबों को 6 दिया और 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो 36 हो गया। ऐसे ही हम यहां पे भी करेंगे। तो 6 को जब भी हम, जैसे 40 को 6 से डिवाइड किया तो हम देखेंगे 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 40 पूरा पूरा 40 बन जाए या 40 से थोड़ा कम रह जाए। तो 6 को आपने कहा 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36। फिर क्या बच गया, 40 में से 36 माइनस किया तो हमें बच गया 4। तो अब हमें आंसर क्या आ गया, एक तो आंसर मतलब हर फ्रेंड को कितना मिलेगा, एक तो ये 6 मिलेगा ये वाला, तो इसको हम पहले लिखेंगे 6। उसके बाद इस 4 के भी 6 टुकड़े करेंगे, तो 4 के जब 6 टुकड़े करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 6, तो ये वाला जो टुकड़ा है ये भी सबों को मिलेगा, इसलिए हम इसके आगे प्लस कर देंगे 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हर एक को मिलेगा, एक तो 6 पूरे पूरे 6 बिस्किट मिलेंगे और साथ में एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा जिसको हमने क्या लिखा 4, क्योंकि 4 रिमाइंडर है, 4 अपॉन 6। समझ आ गया सबों को? पिंकी, पिंकी का क्या नाम है, पिंकी कुमारी का नाम है डॉली, डॉली भारती। समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं पिंकी भारती तो ये है, और ये पिंकी कौन है, पिंकी तो डॉली है ना शायद। यस सर। आपको समझ में आया कैसे डिवाइड किया? यस। अब इसको, अब दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर अब मैं कहता हूं इस 40 के बदले, अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, अब हम कहते हैं, अब हम कहते हैं अच्छा 42 को डिवाइड करना है 6 फ्रेंड्स में। अब हमारे पास 42 बिस्किट है और फ्रेंड्स उतने ही है 6, तो 42 को जब 6 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा बताओ डॉली। आपको 6 का टेबल आता है? यस सर। हाँ, तो देखो अभी जैसे हमने किया 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो 36 मिला। अब हमारे को 40 के बदले, पिछले क्वेश्चन में तो 40 था, 40 को डिवाइड करना था, ये तो था ना 40। अब इस बारी हमारे को 42 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 6 से। तो 42 को 6 से जब हम डिवाइड करेंगे, हम देखेंगे 6 के टेबल में हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 42 बन जाए या 42 के नजदीक बन जाए। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, कौन बताएगा? चलो श्रवणी बताएगी। बताओ श्रावणी। श्रवणी बताओ 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 42 बन जाए, 6 को
किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 42 बन जाए? सिक्स के टेबल, अभी तो हमने ऊपर तो देखा, हमने सिक्स को जब सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वो 36 होता है। तो अब नेक्स्ट से, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, सिक्स सेवन जा 42। हाँ तो फिर बोलो ना, फिर 42 आ गया, पूरा पूरा 42 आ गया। सो दैट मींस अगर मैं सिक्स को, सिक्स को अगर मैं सेवन से मल्टीप्लाई करूं तो वो पूरा 42 आ जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस करूंगा तो बाकी क्या बच जाएगा? जीरो, कुछ भी नहीं बचेगा। दैट मींस जो मेरे सिक्स फ्रेंड्स हैं, जो सिक्स फ्रेंड्स हैं, हर एक को कितना मिलेगा? बताओ जल्दी। सिक्स मिलेंगे। सिक्स सिक्स कैसे मिलेंगे? सेवन सेवन मिलेगा। ये सेवन तो आंसर आ गया बेटे, सिक्स तो फ्रेंड है। हर एक को कितने मिलेंगे? वही तो हमने यहाँ डिवाइड किया, वो तो ये सेवन रहा। दैट मीन्स इसको सेवन 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 को देखो आप, फिर वापस सिक्स सिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपको वापस 42 मिल गया। अब ऐसे ही जल्दी से जो मैंने काम दिया था वो करो। अब देखते हैं ये वाला कौन करेगा। करो कॉपी में जल्दी से सब लोग। प्रीति, डॉली और श्रावणी, आशुतोष ने तो किया है, जल्दी से इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? 20 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा? तब तक आशुतोष सेकंड वाला करेगा, 35 को 4 से डिवाइड करना है, आंसर क्या आएगा? वो शाबाश, जल्दी जल्दी करो। पहला ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करने हैं। हाँ पहले एक तो करो, एक करके मुझे दिखाओ। पहले 20 को 6 से डिवाइड करना है तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? सर आंसर आएगा 8। आप आंसर लिखो आशुतोष, चैट पे लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 का लिखो। चलो करो श्रवणी, कॉपी में करो जल्दी से, कॉपी दिखाओ मेरे को, किया क्या? तो करो ना जल्दी से, आप स्क्रीन के सामने सिर्फ बैठोगे फिर थोड़ी ना खुद ही होगा, आपको ट्राई करना है। सर इसका आंसर होगा 8। 8 किसका? वो ऊपर वाला का। किस क्वेश्चन नंबर का? क्या सर मेरा हो गया? हो गया सर, मैंने भी भेज दिया। आशुतोष आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर भेजा? सर क्वेश्चन नंबर 2। नहीं आंसर ठीक नहीं है, पूरा आंसर नहीं है, आपने तो सिर्फ 8 लिखा है। सर मेरा हो गया। हाँ बताओ कौन सा हो गया? सर दोनों। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। क्या थ्री प्लस टू अपॉन सिक्स? हाँ वेरी गुड,
और क्वेश्चन नंबर टू, एट प्लस थ्री अपॉन फोर। आशुतोष आपने तो सिर्फ एट लिखा आंसर, तो अगर जब हम 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 32, बाकी जो रिमाइंडर 3 बचा वो तो आपने लिखा ही नहीं। अगर आप सिर्फ 8 लिखोगे तो इसका मतलब है आंसर पूरा नहीं है, तो आपको कैसे लिखना है, एक तो ये पहले लिखना है 8, फिर प्लस जो आपका रिमाइंडर है, या तो आप लिखो रिमाइंडर 3 या लिखो 3 जो बच गया उसको भी हमने ये 4 से डिवाइड करना है, तो ये पूरा आंसर आना चाहिए ऐसे। समझ आए आशुतोष कहाँ पे गलती होगी? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखो। फोर्टी को 40 को 6 से डिवाइड करना है, तो हम क्या देखेंगे कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो या तो 40 पूरा 40 मिल जाए। हाँ मेरा हो गया। हाँ बताओ। किससे मल्टीप्लाई करूं 6 को? सिक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई किया। अच्छा तो 6 6 36, फिर माइनस किया 40 में से, 36 माइनस किया बाकी बच गया 4। सर तो इसका आंसर हुआ 6 होल 4 अपॉन 6। हाँ वेरी गुड। ये तो एक तो पूरा पूरा 6 मिला, मान लो पूरे 6 बिस्किट, तो पूरे को इंग्लिश में हम कहते हैं होल, होल मतलब पूरा, जैसे पूरे 6 बिस्किट मिले तो इसको हम बोलेंगे 6 होल, और जो बच जाएगा बचेगा क्या 4, इस 4 को भी हम 6 फ्रेंड्स में डिवाइड करेंगे, इसलिए साथ में हम लिखेंगे 4 अपॉन 6। अभी हम गूगल क्लासरूम में देखो ये वाला डिवाइड की गेम खेलते हैं, इसमें ये लेवल 3 खेलते हैं या लेवल 3 सर, वो तो मल्टीप्लाई था। हाँ तो मल्टीप्लिकेशन से ही तो डिवीजन बनता है, देखो मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो इससे आपको पता चलेगा, अभी आपने सही बोला कि ये तो मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लिकेशन का टेबल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से ही हमको डिवीजन भी मिलता है। वो कैसे मिलता है देखो, ध्यान से देखो अभी समझ में आएगा, आपने बिल्कुल सही बोला। अगर हम क्या हो गया, ये गूगल क्लासरूम मैंने खोला, इसमें क्लास वर्क में आपको हम ये कर रहे हैं 301, ये वाली असाइनमेंट कर रहे हैं 301।
तो 301 में हमारे को जो लिंक मिलेगा उसको मैं क्लिक करता हूं, तो ये ऐसे खुलेगा। थोड़ी देर वेट करना हमें। इसमें हमारे को देखो मल्टीप्लिकेशन भी है, इसमें हमारे को फैक्टर भी है, और इस फैक्टर तो हम बाद में करेंगे, इसको फिलहाल बंद करते हैं। और इसी में हमारे पास डिवीजन भी है, तो डिवीजन देखते हैं। जब मैं डिवीजन को क्लिक करता हूं तो ये तो मल्टीप्लिकेशन टेबल मिला। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। अभी देखो अगर मैं टू को, ये टू है, इस टू को इस टू से अगर मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे क्या आएगा? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी लिखना है। सर टू को इससे, इस ये अगर ये टू है, अगर टू को वन से मल्टीप्लाई करूं सर टू, टू को टू से मल्टीप्लाई करूं फोर, टू को थ्री से करूं सिक्स, हाँ, तो ये सारे जितने भी स्क्वायर्स हैं इन सबों को अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे हमने मान लो हमने इसको सिक्स किया, टू को थ्री से, यहां पे मैंने सिक्स लिखा, तो इसका मतलब है जो ये इस टू और यहां पे थ्री, इसके बीच में देखो कितने इसके बीच में ये कितने स्क्वायर्स बन गए, ये कितने स्क्वायर्स हैं? हाँ बताओ, तो नहीं टू का है ये तो ये टू है, ये थ्री है, इसके बीच में यानी कि ये इसके बीच में ये वाले ब्लू स्क्वायर्स जो है ब्लू, ये कितने है? सिक्स है ना, ये अगर मैं इनको कलर करूं, ये देखो ये सिक्स है, तो जब मैं टू को थ्री से मल्टीप्लाई करता हूं तो सिक्स बन जाते हैं। इसी तरह अगर मैं मान लो ये फोर है, ये फोर है, और ये फाइव है, तो फोर और ये फोर है और ये फाइव है, तो इसके बीच में कितने ये ब्लू मिल जाएंगे मेरे को, ब्लू स्क्वायर्स? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ट्वेल्व कहाँ है? फिर से काउंटिंग करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। हाँ, तो इसमें काउंट काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो हमने टेबल इसीलिए तो सीखे। अगर आपने यहाँ से फोर किया और यहाँ से फाइव किया तो आप फोर को फाइव से मल्टीप्लाई करो, फोर फाइव जा ट्वेंटी, तो इसका मतलब है इसके अंदर कितने स्क्वायर्स होंगे? ट्वेंटी होंगे। अब ये देखो मैं 20 स्क्वायर्स को कलर कर रहा हूं, ठीक है, तो बीच में कितना है मेरे पास? बीच में है 20, 20 ये 20 है ये वाला। अब इस 20 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूं, अब देखो मल्टीप्लिकेशन ही डिवीजन जो है मल्टीप्लीकेशन का उल्टा है। अगर मैं इस 20 को इस 4 से डिवाइड करूं तो मुझे 5 आंसर मिलेगा,
या अगर मैं इस 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को 4 मिलेगा। अब जैसे यहां पे हम देखते हैं, अब टोटल ये कितने थे 20। अब 20 को मैं अगर इस 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को ये 4 मिलेगा आंसर, और अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 मिलेगा आंसर। जैसे यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, कह रहा है किसको मल्टीप्लाई करूं 1 से कि मेरे को 9 मिले, किसको मल्टीप्लाई करूंगा 9 को। तो अगर मैं यहां पे 9 लिखता हूं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 9, इसको चेक करता हूं। अभी देखो इसने यहां पे 9 लिखा, कहां पे, ये क्योंकि ये 9 है और इस 9 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये यहां पे आ गया 9। अब ये कह रहा है किसको मल्टीप्लाई करूं 8 से कि आंसर 56 आ जाए। अब देखो 8 का टेबल आता है, यस सर। श्रवणी आपको कहां तक आता है टेबल सर? अभी 9 तक याद हो गया है। हाँ तो 9 तक आता है ना, इसका मतलब 8 का तो आता है, यस सर। हाँ तो बताओ 8 की टेबल में 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 56 बन जाए। तो आपको टेबल और याद करने हैं जो कि पूरा आपको एकदम याद रहे। 8 7 56 है ना, 8 7 56। तो मैं यहाँ 8 यहाँ पे 7 लिखता हूँ। अब चेक करता हूँ तो ये देखो कहाँ पे आ गया 56, ये यहाँ पे आ गया, और ये देखो ये 8 है ऊपर और ये 7 है। तो इसके अंदर ये जितने ये कितने कितने ब्लू स्क्वायर्स होंगे इसके बीच में सर 56। हाँ इसके बीच में मेरे पास 56 है, 56। अब इसका उल्टा अगर हम देखें कि हम इस 56 को अगर 7 से डिवाइड करें तो मेरे को, ओ सॉरी ये कहाँ 8 है, सॉरी 7 नहीं, ये है 8, ये तो हाँ 8। अगर मैं इस 8 को, अब ये 8 यहाँ पे है, ये 8 है ये 7 है और बीच में मेरे 56 स्क्वायर्स हैं। अब इसका ये भी मतलब है कि अगर मैं इस 56 को 8 से डिवाइड करता हूं तो मेरे को ये आंसर आएगा 7, और अगर मैं इस 56 को इस 7 से डिवाइड करूं तो मेरे को आंसर 8 आएगा। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, यहां क्या लिखूं, जल्दी जल्दी सर 2 जा, हाँ 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट सर 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 बनेगा। तो आपने यहां देखना है आंसर को देखना है, और जो ये खाली स्क्वायर है खाली बॉक्स है वहां नंबर फिल करना है। 4 2 4 2 8। नेक्स्ट सर 6 6 6। हाँ तो अभी आपको जल्दी जल्दी कैसे आएगा कि आप
टेबल्स को अच्छी तरीके से याद करोगे। कौन से टेबल्स? टू का टेबल, टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का, सिक्स का, सेवन, एट एंड नाइन, इनका टेबल आपको बार बार कॉपी में लिखना चाहिए, बार बार लिखे याद रहेगा, ठीक है। कॉपी में पहले टेबल्स लिखते जाना है, टू का टेबल लिखना है, फिर थ्री का लिखना है, फिर फोर का लिखना है, नाइन तक, टू से लेके नाइन तक टेबल्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बार बार जितनी बारी लिखोगे और जोर जोर से पढ़ना है, टू टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, तो आपको अच्छी तरीके याद रहेगा। अब बताओ जल्दी से। अब बताओ four, five, twenty, four, five, twenty, four, five, twenty, four, eight, three, twenty-four. Four, four, sixteen. तो अभी आप देखो, हाँ, eight, one, eight. तो अभी देखो आप यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जितने भी ब्लू स्क्वायर हैं ये सारे भरते जा रहे हैं, तो ये सारे आपको ऐसे भरने हैं, ये सारे भर जाएंगे। तो ये वाली गेम खेलोगे ना? Yes, sir. तो इसका लिंक, एक तो ये कहाँ पे आपको मिलेगा, या तो आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगा, मालूम पता है ना गूगल क्लासरूम में कैसे जाना है? Yes, sir. और वहाँ पे कौन सी असाइनमेंट देखनी है, ये वाली, इसका क्या नंबर है? 301. फिर जब आप अपने मोबाइल पे 301 को क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक दिखाई देगा, ये वाला, इस लिंक को क्लिक करना, तो ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ऐसे ये खुलेगा, थोड़ी देर वेट करना, फिर ये देखो ये खुल गया, मल्टीप्लाई, फैक्टर और डिवाइड, तो आप डिवाइड को क्लिक करना, तो ये गेम खुल जाएगी। फिर लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, कोई सी भी वन से शुरू कर सकते हो, फिर वन, जब वन हो जाएगा फिर आप टू की गेम खेलना। ओके सर। जब वन हो जाएगा, ये वन लेवल वन है, तो उसके बाद जब ये हो जाएगा फिर इसको क्लिक करना, लेवल टू, तो ये ऐसे खुलेगा, ये देखो, फिर जब लेवल टू भी हो जाएगा फिर लेवल थ्री, तो ये लेवल थ्री देखते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसमें देखो, इसमें टेबल देखो कहां तक आ गए, पहले तो सिर्फ नाइन तक टेबल था, अब इसमें टेन भी आ गया, इलेवन भी आ गया और ट्वेल्व भी आ गया।
तो 12 तक जैसे श्रवणी श्रवणी लेवल 3 नहीं खेलेगी, 12 थोड़ा ज्यादा है, तो आप लेवल 2 तक खेलना, ठीक है। लेवल 2 में देखते हैं टेबल कहाँ तक है, लेवल 2 में तो 9 तक टेबल है, 9 और यहाँ पे भी 9, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 यहाँ पे आएगा 81। तो आप जैसे जैसे गेम खेलोगे, मान लो ये लेवल 2 की गेम खेलोगे, तो ऐसा ऐसा ये सारे बॉक्सेस जो हैं ये क्लासरूम का कोड क्या है? अरे आपको क्लासरूम का कोड नहीं मालूम है? नो सर। अच्छा तो आप लिखो और इस क्लास को ज्वाइन करो। क्लासरूम का कोड मैं देता हूँ, अपनी कॉपी में लिखो, ये देखो नंबर लिखो इसको कॉपी में। डॉली आप भी लिखो। सर लिख लिया मैंने। कृति आपने लिखा? ये कोड लिखो और उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन करते हैं? आपने पहले डाउनलोड करना है गूगल क्लासरूम। कृति और डॉली ने डाउनलोड किया है? यस सर मैंने किया है। नहीं नहीं इससे पूछ रहा हूँ, डॉली से पूछ रहा हूँ। डॉली आपने किया है? तो डॉली आपने डाउनलोड किया है गूगल क्लासरूम? कृति आपने किया है क्या? बताओ कृति। डॉली आपने डाउनलोड किया है गूगल क्लासरूम? भाई कौन करके बताओ। क्या डाउनलोड करना है? गूगल क्लासरूम, गूगल क्लासरूम को जब डाउनलोड करोगे फिर उसमें राइट साइड में होगा प्लस और वहां आएगा ज्वाइन क्लास। क्लास को ज्वाइन करना है, ज्वाइन क्लास, तो उसको क्लिक करोगे फिर वो पूछेगा, क्या पूछेगा? क्लास कोड। तो आप क्लास कोड वहां पे ये वाला क्लास कोड डालना। क्या डाउनलोड करना है? पहले करना है गूगल क्लासरूम डाउनलोड करना है, फिर वहां राइट साइड में प्लस का साइन होगा उसको क्लिक करना, वो आपसे बोलेगा ज्वाइन क्लास। ज्वाइन क्लास को क्लिक करना, वो पूछेगा क्लास कोड और वहां पे आपने क्लास कोड डालना है। क्लास कोड कौन सा है? ये वाला, ये वाला क्लास कोड है। फिर जब आप इसको क्लिक करोगे और वहां बटन आएगा ज्वाइन, ज्वाइन करोगे तो आपका नाम यहाँ पे आएगा। देखते हैं यहाँ किस किस का नाम है। यहाँ पे ये देखो कृति का नाम तो है, कृति ने तो ज्वाइन किया है ना? कृति किया है ना आपने ज्वाइन? यस सर। हाँ ऐसे ही जब आप एक बारी ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे श्रवणी का भी नाम आएगा और डॉली का भी नाम आएगा, ठीक है। हाँ सबों का आपका नाम आएगा और उसके बाद फिर आप क्या करना, उसके बाद यह लिखा होगा क्लास वर्क। जब क्लास वर्क को एक बारी जब आपने ज्वाइन किया तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा, ये मैथ प्रेपरेटरी ये वाली क्लास दिखाई देगी और उसमें फिर आपको ये क्लास वर्क को क्लिक करना है।
फिर वहां पे आपको एक बारी आपने ज्वाइन किया फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप आराम से जब भी आपको टाइम मिले आप आराम से बैठ के इन वीडियोस को या जो वर्कशीट्स हैं जो भी हमारे पास मटेरियल है, जैसे अभी हम कर रहे हैं 302 ये कौन सा था 301 था ना, हाँ 301 के अंदर आपको ये गेम दिखाई देगी, आप इसको क्लिक करना और वहां पे फिर ये वाली आप फिल कर सकते हो, खुद खेल सकते हो। अभी ट्राई करोगे? अभी करो जरा ट्राई, और अगर कोई अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना या व्हाट्सएप पे कॉल करना, ठीक है? ओके सर। चलो करो, अभी ट्राई करो जरा, मैं देखता हूँ कौन कौन ज्वाइन करेगा। कृति आप ये वाला खोलो, 301 खोलो अपने गूगल क्लासरूम में। सर अभी डाउनलोड करना है। हाँ अभी आपने डाउनलोड आपने नहीं किया, अभी करो। यस सर मैंने खोल लिया अभी। हाँ गूगल क्लासरूम में करो, फिर इसको कंप्लीट करो, ये सारे बॉक्सेस भरने हैं, फिल करने हैं लेवल टू के, फिर लेवल टू अगर आपसे हो जाएगा तो लेवल थ्री कर सकते हो। डॉली आपको समझ आ रहा है क्या करना है? नो सर। नहीं है तो पहले आपको गूगल क्लासरूम डाउनलोड करना है। डाउनलोड मालूम है ना कहाँ से करते हैं? प्ले स्टोर। हाँ तो सबसे पहले आप गूगल क्लासरूम को डाउनलोड करना मोबाइल पे। गूगल क्लासरूम की पता है कैसे आएगी फोटो, मैं दिखाता हूँ। गूगल कौन सा वाला करना है सर? मैं दिखाता हूँ अभी, गूगल क्लासरूम गूगल क्लासरूम जब लिखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। देखो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये ऐसी फोटो दिखाई देगी, ऐसी नहीं है सर। नहीं प्ले स्टोर में जाना है पहले आपको, प्ले स्टोर में गूगल क्लासरूम लिखना है, फिर आपको ऐसा आएगा, वहां पे उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड आता है ना करना, डॉली डाउनलोड आता है करना? यस सर। हाँ उसको डाउनलोड करो, देखो हो रहा है।